ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एचएस रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, ज्योतिष के इस दिव्य ज्ञान में हम आपको ज्योतिष सिखाते हैं। दो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर एक साथ बैठे हैं, हमारी जिंदगी में इनका क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले जानेंगे कि शनि यहां का स्वामी है, चौथे भाव का और पंचम भाव का। पंचम भाव बुद्धि का होता है, विद्या का होता है, हैरिसन का होता है, और चौथा भाव जमीन जायदाद सुख साधन का होता है। दोनों डिपार्टमेंट लेकर के लगन में बैठा हुआ है उच्च होकर के 7 नंबर की राशि में उच्च हो जाता है, जिसके कारण आदमी की कुंडली में सस नाम का महापुरुष राजयोग बन जाता है, आदमी को ऊंचाइयां मिलती हैं। लेकिन शनि की एक आदत और फितरत होती है कि यह ग्रह डिवोर्स ही होता है, तनाव पैदा करता है। अगर आप मंत्र जाप करते हैं ओम, तरंगे आती हैं, यह वेद का एक स्वरूप है कि मम की बिंदी के साथ तरंगे चलती हैं और तरंगों से नेगेटिव ऊर्जा रुक जाती है। लेकिन उन लोगों का क्या करूं कि जो खाली तंत्र चले ना मंत्र चले, जो मंत्र की बुराई करते हैं, जो कि हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात हमला करते हैं, जो लोग संत के नाम पर एक भेड़िया का रूप धारण करके बैठे हुए हैं, उनका क्या किया जा सकता है। जो बोलते हैं कि वेद मंत्र कुछ है ही नहीं, जो बोलते हैं मंत्र कुछ नहीं है, बताइए, सारा संसार मंत्रों के ऊपर टका हुआ है। अपना पेट भरने के लिए लोगों के साथ इस तरह का गुमराह करना गलत है। यहां मंत्र जाप करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, यह मेरा दावा है, यह मेरा वायदा भी है आपके साथ में। आप कोई भी एक मंत्र जाप करिए तो मेरी रिसर्च है, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो आपकी आंख डैमेज होने का योग बनता है, आपकी सीधी आंख एक खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, एक आंख से काटे पूजा पाठ करने से रोका जा सकता है। और यहां पर आंख का स्वामी या आंख का स्वामी मंगल है, इसको आप मूंगा डंग पहन के मजबूत कर सकते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो छोटे भाई बहनों के लिए आपका अच्छा नहीं आता ग्रह। छोटे भाई बहन कहीं ना कहीं तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, उनके लिए आप कितना भी अच्छा करो और कितना भी उनके लिए कर लो, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, यहां पर भी एक सस नाम का राजयोग बनता है। शनि एक बेरहम ग्रह होता है और ये मन का स्वामी जब हो जाता तो आदमी बेरहमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति हार्ड हार्टेड हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ब्याज का काम कर सकता है, क्रूरता भले काम कर देता है, जनता का प्यार ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता, लेकिन पैसे के कारण महापुरुष राजयोग बना रहता है। दोनों ग्रह शनि केतु इधर बैठे हैं तो अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनका ऑपरेशन से बच्चा होता है, पेट में तकलीफ होती है, सर्जरी होती है, कैंसर जैसी बीमारी होती है, जो लव में इन्वॉल्व है उनका लव टूट जाता है, एक बार लव अवश्य टूटता है। डॉक्टरी की परीक्षा वो अच्छी रहती है, डॉक्टर की पढ़ाई अच्छी रहती है, साथ में आप सर्जन हो सकते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं छठे भाव में तो मुकदमा जरूर दर्ज होगा आपके ऊपर, मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा, बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहेगा, कर्जा लगातार आपके ऊपर बना रहेगा। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं शनि या नीच हो जाता है, विवाह स्थान पर नीच शनि होने के कारण मैरिज में डिस्टर्बेंस होती है, वैवाहिक जीवन नहीं चलता, या तो पति की मृत्यु हो जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में बना हुआ तो आपको वैदिक पूजा करानी चाहिए। पूजा करने वाले लोगों की कमी है, पूजा में बहुत बड़ी शक्ति है, मैंने हजारों पूजाएं की हैं अपने तरीके से। जिन लोगों को बच्चे नहीं हुए, 25 साल से बच्चे नहीं हुए कलकत्ता में, उनको दो बेटे हुए, कितने लोगों के 15-15, 20-20 साल से बच्चे नहीं हुए, बांझ पन डॉक्टरों ने मना कर दिया लेकिन फिर भी उनके बच्चे हुए। दुबई से कई केस ऐसे आए मेरे पास, हजारों केस ऐसे आए जिनको तकलीफ हुई, हजारों लड़कियों की शादी नहीं हुई, पूजा करने बाद उनकी शादियां हुई। इसका मतलब भगवान दयालु है, आप अगर उससे मांगते हो ढंग से तो जरूर आपको देता है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो बवासीर की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, बवंदर की बीमारी ये होती है, तकलीफ लगातार बनी रहती है और क्रॉनिक बीमारी, उससे हमें तकलीफ होती है। साथ में सर्जेरियन का योग यहां पर बनता है और एक्सीडेंटल दुर्घटना का योग बनता है। विष योग के कारण आपको कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ आ जाती है जिसके कारण आपको जहर से, शराब से, कहीं ना कहीं कितने लोगों की मृत्यु इस प्रकार से हो रही है, तो उस मृत्यु का योग भी बनता है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं शनि और केतु, भाग्य स्थान पर यहां भाग्य की कमी कर देते हैं, आदमी नास्तिक प्रवृत्ति का हो जाता है और उसको लाभ नहीं मिल पाता अपने भाग्य से। वो हमेशा ये कहता है मेरे भाग्य के ऊपर तो शनि बैठा है और मुझे लाभ नहीं मिलता। पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं बन पाते यहां पर। अगर ऐसा होता है तो आप वैदिक पूजा करा सकते हैं,
साथ में यहां एक पन्ना नग पहन सकते हैं। पन्ना नग पहनने से आपका भाग्य वृद्धि होगी, जल्दी से भाग्य उदय होगा, लेकिन आपको जुआ सट्टे लॉटरी बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं दशम भाव में शनि केतु, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी लेकिन आप जॉब छोड़ देंगे, आप एक जगह स्टेबल नहीं हो सकते, आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी जॉब में अनस्टेबिलिटी है तो आप यहां पर एक मोती पहन सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप इन दोनों ग्रहों से प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु हमारी जॉब को स्टेबल करिए, हमारे व्यापार को स्टेबल करिए। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं विदेश स्थान पर, आप विदेश में जमीन जायदाद ले सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जमीन बिल्कुल ना खरीदें अगले 2 साल तक। जो व्यक्ति इस समय जमीन खरीद लेगा, जो व्यक्ति इस समय फ्लैट ले लेगा, कोठी खरीद लेगा, वो बहुत पछताएगा, वो डूब जाएगा, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं एक बहुत बुरी तरीके से फाइनेंशियली रैकेट काम कर रहा है, जो लोगों को लूटने पर लगा हुआ है। और मेरा काम है देश की सेवा करना और आप लोगों को अवेयर करना, और हमेशा अवेयर करता रहूं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो पुलिस के इस मुकदमे से सावधानी के लिए आपको शनि केतु की पूजा करनी चाहिए। दर्शकों हमारे विद्यालय में क्लासेस शुरू हो चुकी है, एडमिशन लेना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली में शनि केतु का योग है, आपकी शादी नहीं होती है, आपके बच्चे नहीं होते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, मकान नहीं मिल पाता, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमें मिल सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स शुरू है, उसमें एडमिशन के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 20 जबलपुर, 21 कानपुर, 22 गोरखपुर, 23 बरेली, 24 अमृतसर, 25 जनवरी चंडीगढ़ में रहूंगा। इसके अलावा 26 से लेकर 29 तक दिल्ली, 30 आगरा व 31 जनवरी मैं झांसी में रहूंगा। 1 से 12 फरवरी दिल्ली व नोएडा, 13 फरवरी लखनऊ, 14 पटना, 15 कलकत्ता, 16 भुवनेश्वर, 17 फरवरी रायपुर, 18, 19, 20, 21, 22 मुंबई, 23 औरंगाबाद, 24 हैदराबाद। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं या पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हैं 09212296090, 09212286090। प्रिय दर्शकों आप सबके लिए खुशखबरी, हमारे विद्यालय की दिल्ली ब्रांच, नोएडा, चंडीगढ़, मुंबई, लुधियाना ब्रांच के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट जन्मपत्री व पंचांग अध्ययन, कुंडली मिलान व विवाह मुहूर्त, फलित ज्योतिष, हस्तरेखा, रतन ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्यवसाय ज्योतिष, अंक ज्योतिष, चिकित्सा ज्योतिष और प्रश्न ज्योतिष की जानकारी दी जाएगी। एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। आप निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हैं दिल्ली 9999886090, नोएडा 9811114156, चंडीगढ़ 9814022886, मुंबई 9820114429, लुधियाना 9814630818। प्रिय दर्शकों अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646466 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 0222670793।